ओम शांति। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की वैदानी मूर्त आदरणीय जानकी दादी के बारे में सभी जानते ही हैं कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की हम सभी हजारों बहनों की प्रेरणा स्रोत और शिव बाबा परमपिता परमात्मा की दी हुई शिक्षाओं को प्रैक्टिकल में अपने जीवन के अंदर धारण कर हम सभी को धारणा मूर्त बनाने वाली दादी जी के साथ मुझे भी बहुत समय पार्ट बजाया। जैसा कि इस ईश्वर विश्वविद्यालय में मैं 55 साल से हूँ और जब से समर्पण हुए कलकत्ता बाबा की गद्दी में सेवारत हैं तो दादियाँ कई बार बड़े बड़े प्रोग्रामों में आती थीं और बचपन से ही दादियों के साथ कई स्थानों पर जब चक्कर लगाना होता था तो ये देखने में आता था कि दादी जी प्रैक्टिकल कर्म योगी बन अर्थात हर समय कैसे अपनी स्व उन्नति और सेवा का बैलेंस करके रहती थी। शुरू शुरू का ही मुझे याद आता है जब आसाम में मैं दादी जी के साथ गई थी तो उस समय दादी जी मॉर्निंग में 6 बजे एक स्थान से जब हम दूसरे स्थान पर जा रहे थे गाड़ी में तो दादी जी बड़े प्यार से मुरली निकाल कर पढ़ भी रही थी और हम सबको भी सुना रही थी। उस समय हम बहुत छोटे ही थे, 21-22 साल के थे, लेकिन वह दिन और आज का दिन जो हम सभी मुरली पढ़ते हैं, सुनते हैं, औरों को भी सुनाते हैं तो कई बार हम देखते हैं बस नियम पूर्वक हम सुनते हैं, पढ़ भी लेते हैं, लेकिन उस मुरली में क्या है वो हमने दादियों से समझा। और विशेष रूप से जैसे पहले भी हम सुनते थे कि हमारी प्रकाशमणि दादी भी मुरली को बहुत प्यार से रात को पढ़ते थे और सुबह तो सुनाते ही थे, और जानकी दादी कहती एक मुरली को 20 बार पढ़ना। तो मैं अनुभव से यही कहना चाहती हूँ कई बार इस सेंटर में आने वाले भाई बहन योग भी सीख लेते हैं, कोर्स भी कर लेते हैं, रोज आते भी हैं, लेकिन मुरली के महत्व को नहीं जानते कि वो कहाँ किसके महावाक्य हैं। और वह परम पिता परमात्मा जो हमारा बाप टीचर सदगुरु है वो हमारे जीवन को देवतुल्य बनाने के लिए छोटी छोटी मीठी मीठी शिक्षाओं के द्वारा कैसे हमारे जीवन को श्रेष्ठ बना रहे हैं। तो वो मैंने दादी से देखा। कई बार मुरलियों में ऐसे ऐसे महावाक्य आ जाते हैं जो हम समझ नहीं पाते हैं और प्रैक्टिकल धारणा करने में तो बहुत मुश्किल लगते हैं, लेकिन दादियों के संग में रहकर जब हम कुछ प्रश्न भी पूछते थे तो उसका बहुत सहज रीति से कैसे हम अपने जीवन में प्रैक्टिकल में लाएं। मुझे ये भी याद है जब लास्ट के शरीर छोड़ने से पहले मैं एक बार अहमदाबाद में दादी जी से मिल रही थी और कलकत्ता ही वापस आ रही थी तो मैंने कहा दादी जी आपने बहुत अच्छी क्लास मुरली के पश्चात ज्ञान सरोवर में कराई और हमारे भाई बहन को बहुत अच्छी लगी। उस समय तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ, इतना ही मेरा बोलना था और दादी ने अपनी टेबल से उसी क्लास को इंग्लिश में एक प्लास्टिक फोल्डर में डाल के कहा उस भाई को देना। तो उससे मैंने ये सीखा कि जिस भाई बहन को दादी ने देखा नहीं पर थोड़ा सा मैंने एक बात ही सुनाई थी कि उस दादी को भाई को वो क्लास बहुत अच्छी लगी तो वह क्लास दादी ने बड़े प्यार से फोल्डर में डाल कर कहा उस भाई को देना। लक्ष्य क्या था कि वह भाई ने सुन तो ली लेकिन प्रैक्टिकल उसको सुन के अपने जीवन में धारणा करे। ये एक ही बात नहीं लेकिन मैं मुरली के ऊपर कई प्रकार के क्वेश्चन भी दादी से पूछते थे तो उस प्रश्न में जैसे कई बार बाबा भोजन के ऊपर भी बोलते हैं बच्चे भोजन शुद्ध रखो पवित्र रखो, तो कुमारों की क्लास कलकत्ता में ही हो रही थी तो बहुत बार कई बार मुश्किल होती है कि कैसे भोजन
शुद्ध और पवित्र अपने हाथों से बनाकर खाया जाता है, लेकिन उस पर भी दादी बड़े प्यार से कहती, अरे जो बच्चे खाना जानते हैं वो बनाना भी जानते हैं, ऐसा नहीं सोचो मुश्किल है। तो बहुत सहज रीति से उन भाइयों को कैसे भोजन बनाया जाता है, और मैं देखती हूँ कि वो भाई बहन आसुबी कुमार बहुत प्यार से भोजन बनाकर स्वयं खाते हैं। तो कहने का भाव है, वरदानी मूरत दादी के जो महावाक्य थे, और वरदानी मूरत जो बाबा की मुरली हमारे जीवन को परिवर्तन करती है, उसको जब हम दिल से प्यार से सुनते हैं, समझते हैं, और उस समझकर अपने जीवन में एक लक्ष्य लेकर धारणा करने के लिए बाबा की याद में प्रैक्टिकल कर्म में आते हैं, तो सफलता ज़रूर मिलती है। और भी मुझे याद है, लास्ट में जब दादी कलकत्ता में 2018 में रिट्रीट के उद्घाटन के उद्घाटनी फाउंडेशन स्टोन के समय आई थी, तो दादी की एक और मैं हमेशा विशेषता देखती थी कि छोटे हों, बड़े हों, गरीब हों, अमीर हों, किसी भी भाषा के हों, कभी भी किसी भी समय मिलने आए, लेकिन वह बहुत प्यार से उन सब बच्चों से मिलते थे। और मिलना ही नहीं, केवल बहुत प्यासने भरी दृष्टि देते हुए उनका जैसे सारा हालचाल ले लिया। हर एक के समय ऐसा नहीं है मुख से वरदानी बोली बोले, लेकिन मुख और स्नेह की दृष्टि और हाथ से दिया हुआ वरदान उसे हमेशा के लिए ही संतुष्ट कर देता था। तो आज सारी बहनें उस समय जब मिली थी, क्योंकि मधुबन जाते हैं कई बार नहीं मिल पाते हैं, और अभी भी बहुत बहनें हैं जिन्होंने ना दादियों को देखा है ना नज़दीक गए हैं, तो मैं तो ये कहूँगी, देखा हो या नहीं देखा हो, लेकिन दादियों की जो भी क्लासेस आती हैं, जो भी मुरली की शिक्षाएं आती हैं, जो हम किसी भी माध्यम से सुनते हैं, उस समय प्रैक्टिकल जो उन्होंने स्वरूप में अनुभव में अपनाया है वह हमको सुना रहे हैं। और उनको जब हम उसी भावना से सुनते हैं और करते हैं, तो कभी भी मेहनत नहीं लगती बल्कि सफलता मिलती है। मुझे बहुत बार कलकत्ता में जब बड़े बड़े विशाल कार्यक्रम होते थे, 10-15 हज़ार भी लोग एक एक प्रोग्राम में आते थे बाहर से, लेकिन उन प्रोग्राम में कभी भी मैं दादियों को कभी भी किसी से मिलते हुए थकते हुए नहीं देखती थी, कि चेहरे पर कभी भी कोई भी प्रोग्राम हुआ, बहुत बिजी रहते थे लेकिन चेहरे पर कभी थकावट नहीं थी। और एक विशेषता जो दादी की हमने हमेशा देखी, एकानामी, बहुत छोटी सी अटैची में 4 ड्रेस रख के दादी जी आ जाते थे। तो देखा कि आज जो बाबा कई बार कहते हैं, ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा, तो ये एक मुरली का शब्द है, सिंपल रहना है, सादगी में रहना है। तो सादगी, स्वच्छता और सच्चाई जो उनका मंत्र था, वो प्रैक्टिकल में देखा कि इतने सिंपल रूप से रहना, इतने सिंपल रूप से प्रैक्टिकल में भोजन करना, और इतने प्यार से हरेक आत्मा की पालना करना, वो आप जब प्रैक्टिकल अनुभव कर लेते हैं तो स्वयं को भी पालना में मेहनत नहीं लगती। आज भी हम सभी कलकत्ता में रहते हैं तो देखते हैं कि जो दादियों की शिक्षाएं प्रैक्टिकल में देखी हैं, सुनी नहीं, देखी हैं, क्योंकि आँखें तो कई बार देखते हैं भूल जाती हैं, लेकिन जो अनुभव है वो भूलता नहीं है। लंदन में भी दादी के पास गए, वहाँ भी देखे बाबा का सेंटर इतना सिंपल, सहज रीति से, जहाँ हजारों की क्लास, इतनी प्यार से पालना जो उन्होंने एक साकार बाबा की ली हुई पालना, एक अपनी धारणाओं से की हुई पालना, एक अपने जीवन में जो बाबा के ज्ञान का अनुभव किया, उससे जो पालना दी है, वह पालना हमारे लिए एक वरदान के रूप में हो जाती है। तो मैं तो सभी बहन भाइयों को कहूँगी कि दादियों का जीवन हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। उस दादी के जीवन की गहराई की जितनी भी क्लासेस आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो दिल से पढ़ें, सुनें, और प्रैक्टिकल में अपने जीवन में भी सफलता का अनुभव करें। सफलता हम सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। ओम शांति।